नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जिला प्रभारी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जौनपुर शाहगंज। समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सभा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। सदस्यता अभियान को और गति देने पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद नंदकिशोर यादव व जिला प्रभारी ने सुरेंद्र यादव सदस्य जिला पंचायत के सराय मोहद्दीनपुर स्थित आवास पर बूथ अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी विधानसभा के पदाधिकारियों को नए सदस्यों को जोड़ने हेतु नई ऊर्जा का संचार किया। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी नए सदस्यों को जोड़ने का विशेष अभियान चलाएं। ललई संगठन को मजबूती दिलाने पर भी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी पार्टी, शैलेंद्र यादव ललई। सत्ता पक्ष ने पार्टी को जानबूझकर हराया, लाल बहादुर यादव रिपोर्ट नाम राम नरेश प्रजापति। इसलिए समझता हूँ कल वहाँ उपस्थिति भी आपको बनानी पड़ी थी और ऐसी जगह रिपोर्टेशन चल रहा है कि जिस वजह से जो कारण उसमें यह उचित कारण मिला हुआ है जिसकी वजह से मंत्री जी को बनाया गया या हार का सामना करना पड़ा, प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो ऐसी दशा में एक अभियान और चल रहा है, इस समय मतदाता सूची का, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का और एक आप अपने आधार से मतदाता सूची होने का। तो अगर आपने अपनी मतदाता सूची में अपना आधार लिंक करा दिया तो मौजूदा समय में पीएलए के माध्यम से पीएलओ ये अपेक्षा कर रहा है कि सारे लोग अपना नाम मतदाता सूची में लिंक करा दें। लिंक कराने से फायदा इस बात का है कि जिस दिन आप लिंक करा देंगे, अगर कहीं किसी ने मतदाता सूची से आपका नाम काटने का प्रयास किया तो मैसेज आपके पास आ जाएगा, लिंक करने का फायदा ये होगा। इसलिए वो स्वैच्छिक है लेकिन इतना जरूरी है